लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अखंड भारत, पृथ्वी का वो विशाल भूखंड जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि, संस्कार से शोभित शोभायमान था। इस भूखंड पर व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेजों का आगमन हुआ और वो यहाँ अपने पैर जमाने लगे। फिर उन्होंने हमें अपना गुलाम बना लिया। भारत पृथ्वी का वो भूखंड रहा जिस पर पृथ्वी का सबसे ज्यादा गुलामी का अंधकार रहा, जिसके मुकद्दर में गुलामी दर गुलामी ही रही। इब्राहिम लिंकन ने कहा है, इफ स्लेवरी इज नॉट रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग। 10 मई 1857 को गुलामी के खिलाफ भारतीय विद्रोह का पहला बिगुल बजा। विद्रोह का ऐसा शोर, ऐसी शंखनाद कि अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गईं, कर्णधारों की नींदें हराम हो गईं। भारतीयों की एकजुटता अंग्रेजों को चिंता में डालने लगी। वो इससे निपटने के लिए एक नए हथियार को उपयोग में लाए, डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत भारत को स्वतंत्रता मिल गई, जो वास्तव में इंडिपेंडेंस एक्ट ना होकर डिविजन ऑफ इंडिया एक्ट था, या ऐसा भी कहा जा सकता है, धर्म मजहब के नाम पर अखंड भारत का खंड। जिन्ना की टू नेशन थियोरी को स्वीकार कर अखंड भारत को हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया। आकस्मित या सुनियोजित खूनी तांडव शुरू हो गया। बलात्कार, हत्या, आगजनी, राहजनी, क्रूरता, पशुता, अमानुषता का हृदय विदारक, शर्मसार करने वाला खूनी संघर्ष शुरू हो गया। लोग अपनी हथेलियों में अपनी जिंदगियां लेकर भागने लगे। उन्हें नहीं पता था आजादी से उन्हें धरती का कौन सा हिस्सा मिला है। रेलगाड़ियों में भर भर कर निर्वासित हिंदू भारत की तरफ चल पड़े। ट्रेन चल रही थी, लेकिन उस पर सवार लोग इतने खौफ में थे कि ट्रेन पर बैठे हुए भी ट्रेन से तेज भाग रहे थे। बच्चे और बूढ़े भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे थे। पैदल चलने वालों का और बुरा हाल था। 30 जनवरी 1948 की शाम गांधी जी एक प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। इतनी देर हो गई कि बकरी का दूध लाने का समय ही नहीं मिला। अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, मेरी जो पाकिस्तान की पद यात्रा है ना, उसमें हम लोग अपनी बकरियां लेकर जाएंगे। जी बापू। रास्ता दीजिए। अरे हट जाइए, रास्ता दीजिए, हट जाइए, हटिए। प्रार्थना सभा के लिए काफी विलम्ब हो चुका है, हट जाइए, रास्ता दीजिए, कृपया हट जाइए, देर हो रही है हमें, हट जाइए। चलिए 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 चलिए। उठो बच्चों। तुम्हारा नाम क्या? पीयूष। पीयूष, और तुम्हारा? प्रथम। प्रथम, बहुत अच्छे नाम है। अब तुम जाओ, चलो। Thank you.
बापू, राष्ट्र के लिए किए आपके कई कार्यों के लिए मैं और ये राष्ट्र सदैव आपके ऋणी रहेंगे। कृपया हट जाइए, कृपया रास्ता दीजिए। आपसे पहले भी निवेदन कर चुकी हूं, कृपया हट जाइए। परंतु आपके हाथों से कुछ कार्य ऐसे भी हुए हैं बापू कि जिससे भारत मां को बड़ा कष्ट हुआ है। मैंने भारत मां से कहा था कि मैं तुम्हारा श्रृंगार अखंड रखूंगा, परंतु मैं अपना वचन पूरा न कर सका। भारत मां का ये पुत्र उसके नेत्रों से अश्रुओं की तरह गिर गया। और उत्तरदायी आप हैं। आप हट जाइए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। धन्यवाद महोदय। महोदय, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, मनुष्य लगातार पाप और पुण्य करता आ रहा है। वो पुण्य करता है कभी अपने परिवार के लालन पालन के लिए, कभी अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, या समाज में एक धर्माधिकारी के रूप में प्रसिद्ध होने के लिए। और पाप का भी यही कारण है महोदय। वो कभी पाप करता है, कभी खुद को बचाने के लिए, कभी अपने परिवार को बचाने के लिए, या फिर अपने उस पाप को देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने के लिए, ताकि लोग उसे याद रखें। योर ऑनर, आपकी अदालत में आज ऐसा ही एक केस सामने आया है जिसमें अपराधी भारतवर्ष के इतिहास में जगह पाने के लिए इस पृथ्वी का सबसे जघन्य अपराध करता है। और ऐसे अपराध की माफी इंसानी अदालत तो क्या, भगवान की अदालत में भी नहीं। नाथूराम गोडसे ने उसी प्रसिद्धि को पाने के लिए एक महात्मा की हत्या की है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि नाथूराम विनायक गोडसे और उसके साथियों को मृत्युदंड दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। हुई डिफेंस लॉयर, आपका वकील कौन है? महोदय, मेरा कोई वकील नहीं है, मैं अपना पक्ष स्वयं रखना चाहूंगा। प्रोसीड। माननीय न्यायमूर्ति महोदय, सेवा में मैं नथुराम विनायक गोडसे। आरोप
महात्मा गांधी की हत्या, आरोपी क्रमांक एक। महोदय, ऐसा कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि मैंने जो कृत किया है वो बहुत ही जघन्य है। मेरा अंतकरण जिस कृत को करने के लिए बाध्य हुआ वो पृथ्वी का सबसे बड़ा अपराध है। और जब अपराध वृहत हो तो उसका पार्श्व कथानक भी वृहत होता है। ऐसे में उस वृत्तांत को किसी वकील के माध्यम से माननीय अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना या करवा पाना संभव नहीं होता। इसलिए मैं स्वयं को स्वयं का वकील मानकर अपनी सफाई प्रस्तुत करने की आज्ञा के लिए विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं। अदालत आपको अपने केस की पैरवी करने की इजाजत देती है, प्रोसीड। धन्यवाद महोदय। महोदय, मैंने एक भक्ति परायण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। मैं हिंदू हूं और हिंदू होने के नाते स्वभावतः मेरे हृदय में हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के प्रति सम्मान रहा है। जो हिंदू है वो मेरा अपना है, ये मेरा मानना है कि ये भूखंड जिस पर मैं खड़ा हूं ये सिर्फ हिंदू भूमि थी। और जब तक इस भूखंड पर एक भी हिंदू जीवित रहेगा तब तक ये भूमि सिर्फ हिंदू भूमि ही रहेगी। महोदय, मैंने दादा भाई नौरोजी, विवेकानंद, बाल गंगाधर टिळक, गोपाल कृष्ण गोखले सबके विचार सुने हैं और प्रेरित भी हुआ हूं। संसार के दूसरे देशों के इतिहासों और सभ्यताओं को भी पढ़ा और जाना समझा है। समाजवाद एवं साम्यवाद की अवधारणाओं से भी भली भांति अवगत एवं परिचित हूं। लेकिन जिन दो महापुरुषों से मैं सर्वाधिक प्रभावित रहा हूं वो वीर सावरकर हैं और महात्मा गांधी थे। स्वदेशी, सिर्फ स्वदेशी, फिर चाहे वो वस्तु हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करने वाली हो या शरीर के बाहर के अलंकरण के लिए हो, वस्त्र विहीन रहना हमें स्वीकार है, लेकिन विदेशी वस्त्र हमें स्वीकार नहीं है। अपनी धरती, अपना कपास, अपने सूत, अपनी खादी, विदेशी वस्त्रों की होलिका जलाकर हम कंपनी सरकार को निर्वस्त्र करेंगे। स्वदेशी आंदोलन जिंदाबाद, स्वदेशी आंदोलन जिंदाबाद, स्वदेशी आंदोलन जिंदाबाद। स्वदेशी आंदोलन जिंदाबाद, स्वदेशी आंदोलन जिंदाबाद, स्वदेशी आंदोलन जिंदाबाद, स्वदेशी आंदोलन जिंदाबाद, स्वदेशी आंदोलन। अखंड भारत को मैं अपनी मातृभूमि मानता हूं, अपनी धरती अपनी मां मानता हूं, लेकिन इसका तात्पर्य कदापि नहीं कि इस भूखंड पर जो दूसरे धर्मों और पंथों के लोग रहते हैं उनसे मेरा वैर, वैमनस्य या उनके प्रति द्वेष या दुर्भावना है। यहां हिंदुओं की संख्या अधिक है और यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर हिंदुओं का कोई देश है तो वो सिर्फ
भारत है। भारत के अलावा हिंदुओं का अपना कोई स्थान नहीं है, यही उनकी कर्मभूमि, पुण्यभूमि और जन्मभूमि है। हिंदू के अलावा जिस दूसरी जाति की संख्या यहां अधिक है वो है मुसलमान। और वो इसलिए कि 10वीं शताब्दी से मुसलमान आक्रांताओं ने इस भूभाग पर आक्रमण कर अपना आधिपत्य जमा लिया था और यहां का हिस्सा बनते चले गए थे। मराठों, राजपूतों और सिखों के विद्रोह ने और शक्ति ने उनके आधिपत्य को दुर्बल तो कर दिया था, लेकिन अलग कर पाना अभी बाकी रह गया था। फिर अंग्रेज आए और उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को हराकर अपना आधिपत्य जमा लिया। हिंदू और मुसलमानों में कटुता थी। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर इस भूखंड को गुलाम बनाकर रखना है सदा सर्वदा के लिए, तो उन्हें इसी कटुता को और बढ़ाना होगा, इसे अपना हथियार बनाना होगा। और अंग्रेजों ने वही किया। कटुता के विष को कलश भर भर कर दोनों को पिलाया। भारतीय जनता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस का गठन हुआ था। अंग्रेजों ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में मुसलमान को हिस्सा लेने से रोक दिया, फूट डालते रहे। उन्हें पता था ऐसा करके ही वो यहां पर राज कर सकते हैं। कभी कभी तो वो मुसलमानों में ये आशा भी जागृत करते थे कि एक बार फिर उनका हिंदुओं पर आधिपत्य होगा, हिंदू उनके गुलाम होंगे। यह अभिलाषा उस वक्त पहली बार उड़ान भरती नजर आई जब 1906 में वॉइसरॉय लॉर्ड मिंटो का संकेत और समर्थन पाकर मुसलमानों ने हिंदुओं से अलग चुनाव के अधिकार मांगे और अंग्रेजों ने यह कहकर धूर्ततापूर्वक इस मांग को मान लिया कि ऐसा करके ही अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुरक्षित रखा जा सकता है। पहले तो कांग्रेस ने विरोध किया, शायद दिखाने के लिए, परंतु बाद में प्रस्ताव को मान लिया या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें मदद की। और कांग्रेस की यही वो कृति थी जिससे विभाजन की मांग की नींव पड़ी। गांधी जी 1915 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने की आशा लेकर भारत आ गए। उन्हें लगा सभी वर्णों से उन्हें सहयोग मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका में जो लड़ाई चल रही थी वो नागरिक अधिकार प्राप्त करने की लड़ाई थी और वहां हिंदू, मुसलमान और पारसी एक होकर लड़ रहे थे, मगर यहां अंग्रेजों का प्रभुत्व समाप्त करने की लड़ाई चल रही थी।
और अंग्रेजों ने यहां हिंदू और मुसलमानों में कटुता बनाकर रखी थी। और गांधी जी इन्हीं दोनों के नेतृत्व और सहयोग की इच्छा लिए बैठे थे। अंत में जैसे मुझे गांधी जी पसंद नहीं आए, वैसे शुरू में सरदार पटेल को भी पसंद नहीं आए थे। सरदार पटेल कहते थे, ये स्वच्छता और ब्रह्मचर्य की बात करने वाला क्या करेगा। 1919 तक गांधी जी के हाथ सिर्फ निराशा लगती रही। तब उन्होंने मुसलमानों का दिल जीतने के लिए खिलाफत आंदोलन के लिए सहानुभूति दिखाई। उस वक्त जिन्ना कांग्रेस के सेक्युलर नेता हुआ करते थे। गांधी जी ने उन्हें प्रोत्साहित किया, उनकी प्रशंसा की और कांग्रेस पूरी तरह अली बंधुओं द्वारा चलाए जाने वाले खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित हो गई। लेकिन मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस से अलग समझा और हुआ यह कि दोनों के बीच विरोध बढ़ गया और अंग्रेजों ने दोनों के बीच बनी इसी खाई को और गहरी और डरावनी करने के लिए मुसलमानों को नौकरियों में आरक्षण देना शुरू कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन से दूर रखने के लिए उन्हें बड़ी बड़ी नौकरियां देने लगे। जहां गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, अंग्रेज हिंदू मुस्लिम में फूट। अंग्रेज जीतते गए और गांधी जी की पराजय होती रही। पराजय की पीड़ा गांधी जी सहन नहीं कर पा रहे थे और कोशिश करना चाहते थे और बलिदान देना चाहते थे। वैसे जैसे हारा हुआ जुआरी दाव पे दाव लगाता जाता है, उसी तरह गांधी जी ने मुस्लिम लीग की उचित अनुचित सारी मांगों को पूरा करना शुरू कर दिया। गांधी जी के प्रोत्साहन और नीतियों से प्रोत्साहित होकर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के 6 महीने के भीतर अप्रैल 1940 में जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत पर पाकिस्तान निर्माण की मांग रख दी। और अंग्रेजों ने इस मांग को पसंद किया। उन्हें लगा ऐसा करने से हिंदू मुसलमान कभी भी कहीं भी एक नहीं हो सकेंगे। गांधी जी अपने प्रत्येक भाषणों में और प्रत्येक लेखों में क्रांतिकारियों की निंदा करते रहे। गांधी जी के प्रचंड विरोध के बावजूद भी जब मार्च 1931 के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने भगत सिंह के साहस की प्रशंसा में प्रस्ताव पारित किया, तो गांधी जी ने इसे अपनी पराजय मान ली और उसे अपने अंदर पाल लिया था। क्योंकि जब बंबई के गवर्नर पर गोली चली तो गांधी जी ने सीधे तौर पर उसी प्रशंसा प्रस्ताव को जिम्मेदार ठहराया था
जो कांग्रेस ने भगत सिंह की साहस की प्रशंसा में पारित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस कथन पर विरोध किया तो गांधी जी सुभाष चंद्र जी को अपना शत्रु समझने लगे और उनके अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा सुभाष की जीत गांधी की हार है। और जब तक सुभाष चंद्र जी को कांग्रेस अध्यक्ष की गद्दी से नहीं उतारा गया गांधी जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। जो लोग ऐसा कहते हैं ऐसा मानते हैं ढिंडोरा पीटते हैं कि हमें आजादी सिर्फ गांधी जी के परिश्रम से ही मिली है वो लोग एक झूठा इतिहास रचने के दोषी होंगे। दूसरे देशभक्तों और क्रांतिकारियों के बलिदानों को अगर अंधेरे में फेंक दिया गया तो आने वाली पीढ़ियों को किसी भी सूरज के प्रकाश में रक्तरंजित स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के इतिहास का कोई भी परिच्छेद कोई भी अनुच्छेद साफ और सत्य नहीं दिखाई देगा। जब गांधी जी को यह आभास हो चुका था कि वो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से जिन्ना को प्रभावित नहीं कर सकते हैं तो उन्हें अपनी नीतियों का पुनः मूल्यांकन करते हुए जिन्ना और मुस्लिम लीग से निपटने का कार्य किसी दूसरे नेता को सौंप देना चाहिए था। हमने स्वतंत्रता की लड़ाई अखंड भारत के लिए लड़ी थी परंतु हमें मिला क्या? एक टूटा कटा हुआ खंडित भारत। हम अखंड भारत को अखंड नहीं पा सके। मेरे भारत को नीति निर्धारकों की नीतियां खा गई। जब किसी भूखंड को चोट लगती है तो उस पे बसने वाले हर प्राण हर प्राणी घायल होता है चोटिल होता है। देखना ये विभाजन असंख्य जिंदगियों का कोप भाजन बनेगा। आज मेरे देश प्रेम को जो चोट लगी है उसकी टीस जब जब मैं जन्म लूंगा उठती रहेगी। सरिया जल्दी हमें अखंड भारत आला खंडित होने पास रोक शकल ना ही तपुड़ी जन्मी खंडित भागा ना क्यों पुनः अखंड भारत बनो इतने मैं अशी शपथ के तो अखंड भारत अमर रहे। ऑब्जेक्शन मे लॉर्ड, यह अदालत महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े षड्यंत्र और घटनाक्रम को सुनना चाहती है ना कि नाथुराम की मनगढ़ंत देशभक्ति की गाथाओं को। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर नाथुराम गोडसे, हालातन यह अदालत आपसे जानना चाहेगी कि विभाजन को लेकर आपके दिल में कौन सी ऐसी कटुता आ गई थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी की हत्या जैसा जघन्य अपराध करने पर मजबूर हुए। धन्यवाद महोदय। 14 अगस्त 1947 को छल पाखंड धोखा और स्वार्थ के शतरंज की बिसात पर देश को रखकर टुकड़े कर दिए गए। देश के तमाम त्यागी दूरदर्शी नेता
अमीर गरीब, मजदूर किसान, औरत मर्द, बूढ़े बच्चे, अपंग असहाय, संपूर्ण भारत की स्वाधीनता के लिए स्वतंत्रता संग्राम लड़े थे। परंतु विभाजन ने अखंड भारत के स्वप्न को विफल कर दिया। देशभक्तों, क्रांतिकारियों ने आजीवन कारावास की यातनाएं भोगी। हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया, अपना सब कुछ स्वाहा किया, देश से विस्थापित हुए। उनके हाथों में क्या आया? खंडित भारत, टूटा हुआ भारत, कटा हुआ भारत। जो लोग बुद्धिमत्ता में अपने आप को बृहस्पति से भी महान मानते थे, उन्होंने तो यहां तक कहा कि अगर पाकिस्तान की मांग नहीं मानी जाती तो आजादी नहीं मिलती। मैं इस धारणा को मानने से मना करता हूं। यह मात्र कांग्रेसियों का बहाना था अपने पाप छुपाने का। कांग्रेस कहती है उसने स्वराज्य अपनी शक्ति से लिए। अगर इतनी शक्ति थी तो उस शक्ति को विभाजन रोकने में क्यों नहीं लगाया? यह कांग्रेस की शक्ति नहीं, स्वार्थ था। कांग्रेस जिन्ना के आगे झुक गई थी। भारत का एक तिहाई हिस्सा भारत का दुश्मन बन गया था। पश्चिम पाकिस्तान में या तो हिंदुओं को मार डाला गया या उनका सब कुछ नष्ट कर दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान का भी यही हाल रहा। करीबन 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए। लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, हिंदू भी और मुसलमान भी। ये रक्तपात, शांति और अहिंसा के नाम पर चलने वाले उसी महात्मा, उसी राष्ट्रपिता के कारण हुआ जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बापू, पाकिस्तान के रूप में एक टुकड़ा भारत से अलग हो चुका है, लेकिन भारत अभी भी 562 से ज्यादा टुकड़ों में है। इन सब को एक इकाई के रूप में एकत्रित करना है, एक भारत बनाना है। यह संभव है? यह हमारा घोषित लक्ष्य है। रजवाड़ी इस बात के लिए सहमत हो गए? बापू, ऐसा नहीं है कि हर हिंदुस्तानी आजादी के पक्ष में था। कुछ लोग गुलामी में भी खुश थे, इसीलिए ये देश बार बार गुलाम होता रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा राजाओं और नवाबों को खत्म किए बिना रियासतों और रजवाड़ों को खत्म करूं। उनके भविष्य को लेकर आपने क्या सोचा है? मैं इस वक्त सिर्फ भारत के भविष्य के बारे में सोच रहा हूं। सरदार, मैंने आप में हमेशा से किसानों वाली जिद देखी है, एक रूखा संकोच भी
दरिया दिली भी। बापू, मैं किसान ही तो हूं। भारत के हिंदू और मुसलमानों का एकमात्र नेता बनने के लिए गांधी जी ने जिस हिंदू मुस्लिम एकता के सिद्धांत की रचना की थी, पाकिस्तान बनते ही वो भाईचारे का पेड़ ढह गया। गांधी जी जब भी जिन्ना से मिलते थे उन्हें भाई या कायदे आजम कहकर संबोधित करते थे, लेकिन जिन्ना को गांधी जी को लेकर कोई सरोकार नहीं था। पंजाब, बंगाल और सिंध प्रांत के हिंदुओं के भविष्य की खंडित भारत को लेकर नृत्य करने वालों ने कोई चिंता नहीं की। करोड़ों हिंदुओं को क्रूरता के बीच छोड़ दिया गया, उनका संहार होने लगा। प्रतिदिन हजारों हिंदू कत्ल किए जाते, स्त्रियों की अवमानना होती थी। परंतु भारत सरकार मूक दर्शक बनी रही। सरकार चाहती तो कह सकती थी पाकिस्तान से कि अगर पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो यहां भारत सरकार वही हश्र मुसलमानों के साथ भी करेगी। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां कोई आवाज उठाता तो कहा जाता कि वो हिंदू मुसलमानों में दुर्भावना पैदा कर रहा है। समाचार पत्र कुछ लिखते तो उन समाचार पत्रों पर प्रेस इमरजेंसी एक्ट लगा दी जाती। पाकिस्तान हिंदू और हिंदुओं की संस्कृति को निर्दयता से मिटा रहा था। लोग पलायन के लिए विवश हो गए थे और जब वो भारत वापस आने लगे तो गांधी जी ने कहा हिंदुओं को पाकिस्तान से पलायन नहीं करना चाहिए। तो क्या करते वो मुसलमान के हाथों वैसे ही कत्ल होते रहते जैसे यहां गांधी जी अपने शांति और अहिंसा के नाम पर लोगों को मजबूर कर रहे थे मरने के लिए। अगर गांधी जी और कांग्रेस चाहते तो हिंदुओं का निर्मम संहार ना होता, मगर ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी सदा सत्य और अहिंसा के नारे लगाते रहे। मैं इन नारों को बुरा नहीं मानता, मगर यह भी नहीं मानता कि सिर्फ सत्य और अहिंसा पर ही जीवन जिया जा सकता है। मानवता का इतिहास ऐसे असंख्य उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है जब अत्याचारियों का अंत सिर्फ हिंसा से ही संभव हुआ है। श्री राम ने सीता को मुक्त कराने के लिए रावण का वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया, अर्जुन को कौरवों के अत्याचारों का अंत करने के लिए भीष्म पितामह की हत्या करनी पड़ी, छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान का वध किया, महाराणा प्रताप अकबर के विरुद्ध लड़े, गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब के खिलाफ
खालसा सेना बनाई, परंतु सत्य और अहिंसा के अपने मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ रखते हुए गांधी जी ने शिवाजी, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी, इन लोगों के मार्ग की सदैव आलोचना की। अगर गांधी जी की सत्य और अहिंसा इतनी धारदार, असरदार थी, विजयी थी, तो जब पाकिस्तान ने कश्मीर हड़पने के लिए हमला किया तो गांधी जी सरदार पटेल को सेना भेजने से रोककर सेना की जगह सत्याग्रहियों और बंदूकों की जगह चरखे चरखियां भिजवाते। ऑर्डर ऑर्डर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। नाथूराम विनायक गोडसे, ये पूर्व में हुई घटनाओं को दोहराकर क्या साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, ये अदालत महात्मा गांधी की हत्या की सुनवाई कर रही है और ये स्वयं को अर्जुन और महाराणा प्रताप से तुलना करके अपने घृणित अपराध को राष्ट्र प्रेम का चोला पहनाना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। अब प्लीज बोलिए। अब गांधी जी ने दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया था, कारण युद्ध में होने वाली हिंसा बताया था। लेकिन उन्हीं के पूंजीपति मित्र बिरला, डालमिया, वालचंद, हीरालाल, नानजी भाई, कालिदास, इन्होंने उसी खुली खेल से अकूत दौलत अर्जित की थी। देश बट गया, अखंड भारत खंडित हो गया, लाखों हिंदू विस्थापित हुए, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुए, लाखों की निर्मम हत्या हुई, महिलाओं को निर्वस्त्र करके अपमानित किया गया, उन्हें बेचा खरीदा गया, घर सामान, इज्जत मर्यादा सब कुछ लूट गया। ना यहां उन पर कर्म करने वाला कोई था, ना वहां उन पर रहम करने वाला कोई था। लोग भागते रहे, थककर मरते रहे, ट्रेनें लाशों से भरी आती थी। गांधी जी को हिंदुस्तान, जिन्ना को पाकिस्तान मिल गया था, पर वो हिंदू जो अपने जख्मों को हथेलियों से दबाए ट्रेनों में बैठे थे, उन्हें नहीं पता था वो हिंदुस्तान जिसकी आजादी के लिए वो लड़े हैं, उसमें उनका हिस्सा किस हिस्से में आएगा, कौन सी धरती उनकी मां होगी। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान निर्माण को लेकर, उसकी योजना को लेकर गांधी जी का मन शुद्ध था, ऐसे मानने वाले हर नेता से मेरा मतभेद था और यह बात मैंने 28 फरवरी 1935 को पत्र लिखकर यहां अदालत में उपस्थित सावरकर जी को अवगत कराया था। भारत हिंदुओं का देश है, परंतु कभी कभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है
जैसे हिंदू भारत में किसी दूसरे देश से आया हुआ शरणार्थी हो। मैं देख रहा हूं अपने स्वार्थ और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदू इस सोच के साथ जिए कि भारत पर सिर्फ उसका अधिकार है या रहेगा। हिंदू और हिंदू धर्म के विरुद्ध किसी बड़े षड्यंत्र का अंदेशा हो रहा है मुझे। हिंदू धर्म कोई ताड़पत्र पर लिखित पोथी नहीं है जो ताड़पत्र के चटकते ही चूर चूर हो जाएगा। यह कोई गोलमेज परिषद का प्रस्ताव भी नहीं है। हिंदुत्व मात्र एक शब्द नहीं है, एक महान जाति का जीवन है, एक सभ्यता है, एक ऐसा इतिहास है जो 40,000 अवधियों के इतिहास से भरा हुआ है। और अखंड भारत के लिए हम जो कर रहे हैं ना, उसे जारी रखेंगे। भारत सरकार गांधी जी के इशारों पर कदम उठाती थी, आवाज करती थी, और उनकी नीतियां ऐसी थी जो कुछ देखना ही नहीं चाहती थी। गांधी जी का अनशन मुसलमानों के पक्ष में होता था, उनकी शर्तें हिंदू विरोधी होती थी। दिल्ली की मस्जिदों से हिंदू शरणार्थियों को निकालकर मस्जिद मुसलमानों को सौंपी जाए, गांधी जी ने अनशन की धमकी देकर सरकार से यह बात मनवाई थी और सरकार ने वही किया। ठंड और भरी बरसात में बेघर शरणार्थियों को खाली पड़ी मस्जिदों से बाहर निकालकर खुले आसमान के नीचे फेंक दिया गया था। लोग बिरला हाउस के बाहर खड़े होकर चिल्लाते रहे, गांधी जी मेरी मदद करो, गांधी जी हमें आश्रय दो। लेकिन उन न्याश्रितों की रुदन को गांधी जी ने अपने कानों तक आने नहीं दिया। मेरी आत्मा कांप गई थी। एक महात्मा ऐसा मूक और बधिर हो सकता है? और उस पर पाकिस्तान को 55 करोड़ देने की जिद। जिन्ना जो अपनी धौंस और कृत्यों से नहीं ले पाता था, वो उसे गांधी जी की जीत दिलाती थी। अनशन की धौंस देकर गांधी जी ने सरदार पटेल और नेहरू को पाकिस्तान को 55 करोड़ देने पर बाध्य कर दिया था। प्रणाम बापू। बापू, मैं आज तक आपकी हर बात मानता रहा हूं। आज मैं अपनी एक बात को लेकर आपसे निवेदन करने आया हूं। आप पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने को लेकर जो अनशन करने वाले हैं उसे स्थगित कर दीजिए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान उन पैसों को अपने पुनर्वसन में इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल नहीं। वो उन पैसों को भारत के खिलाफ उन षड्यंत्रों में लगाएगा जो वो अपने सपनों में देख रहा है।
अब तुम वो सरदार नहीं रहे जिसे किस युग में मैं जानता था। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाने लगा था। राष्ट्र का पिता, लेकिन वो अपने पिता होने के कर्तव्य को निभा पाने में असमर्थ रहे। जब तक वो जिंदा रहे, हिंदुओं पर होने वाले हैदराबाद के निजाम के अत्याचारों के खिलाफ खामोशी रहे। निजाम को अब अहिंसा के सहारे समझाना मुझे असंभव लगता है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर भारत हैदराबाद में हस्तक्षेप करता है तो दुनिया के सभी मुस्लिम देश भारत के खिलाफ खड़े होंगे। मैं जिन्ना को गंभीरता से नहीं लेता। हिंदुओं को सिर्फ एक ही शिक्षा देते रहे, सहो, सिर्फ सहो, विरोध मत करो, प्रतिकार मत करो, मारो मत, मर जाओ। कानपुर में जब मुसलमानों ने गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या की तो गांधी जी ने कहा था कि विद्यार्थी ने अहिंसा पर चलकर बलिदान दिया है। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सिर्फ गांधी जी जिम्मेदार हैं। अहिंसा की आड़ में उन्होंने सिर्फ रक्त बहाए, हिंदुओं का संहार किया। मुझे लगा अहिंसा के मरते ही सब कुछ जिंदा हो जाएगा। गांधी जी से मेरी कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी, मेरे मन में उनको लेकर कोई दुर्भावना नहीं थी। देश को लेकर किए उनके कई कार्यों का मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने ऐसा भी कुछ किया है जिसके आगे मैं नतमस्तक हूं, परंतु पाकिस्तान निर्माण और उसकी घटित घटनाओं के लिए मुझे सिर्फ वही उत्तरदायी दिखाई देते हैं। पटेल, मैं न सिर्फ सुन रहा हूं बल्कि देख भी रहा हूं। आपके हर वक्तव्य, हर विचार, हर फैसले, हर नीति में पाकिस्तान के लिए कटुता भरी होती है। यह सत्य नहीं है बापू। कुछ लोग मेरी आस्तीनों में मुसलमानों के संहार का खून दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ना मुसलमानों के पक्ष में हूं और ना ही उनके खिलाफ। बापू, देश अभी अभी गुलामी के अंधकार से निकला है, और जब अंधेरे से उजाले की तरफ जाया जाता है तो कभी कभी उजाले में भी अंधेरा रहता है, और वो अंधेरा दुविधा में रखता है। बापू, प्रार्थना सभा के लिए देर हो चुकी है। हाँ, देर तो हो चुकी है। देर हुई है तो सजा भी मिलेगी मुझे। चलते हैं। देश प्रेम, अखंड भारत, ये मेरी पीड़ा थी, मेरी प्रार्थना थी, मेरी परिकल्पना थी।
मेरी पहचान थी। देश प्रेम के सिवा मेरे अंदर कुछ नहीं था। जब मेरे देश प्रेम को चोट लगी तो मैंने गांधी जी को भारतीय राजनीति से सदा सदा के लिए हटाने का फैसला ले लिया। मैं जानता था जो कुछ भी मैं करने वाला हूं उससे मेरा वो मान सम्मान सब कुछ नष्ट हो जाएगा जो मैंने अपने देश प्रेम से पाया था। लोग मेरे कार्यों को भूलकर मुझे सिर्फ राष्ट्रपिता का हत्यारा कहेंगे। लेकिन मैंने अपने फायदे नुकसान को ताक पर रख दिया और देश प्रेम तथा अखंड भारत का जय घोष करते हुए अपने अंतकरण के साथ चलकर 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी जी को गोली मार दी। मुझे अपने इस कृत्य पर कोई पश्चाताप नहीं है। यह कदम मैंने देश के लिए उठाया था, इसलिए मैं कोई नैतिक प्रायश्चित भी नहीं करूंगा। महात्मा पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सामने नतमस्तक भी हुआ था और ऐसा मैंने उनके उन कार्यों के लिए किया था जो मुझे देश हित में लगा था। इस अभियोग में मेरे साथ मेरे कई मित्रों को भी षड्यंत्रकारी के रूप में शामिल किया गया है। इस बात को मैं साफ कर देना चाहता हूं कि गांधी जी की हत्या का सिर्फ और सिर्फ मैं ही उत्तरदायी हूं। मेरे इस कृत्य का किसी और को श्रेय देना, भागीदार बनाना, मेरी सोच, मेरा फैसला या मेरे उठाए गए कदम का अपमान होगा। मुझे कोई तमगा, कोई सराहना नहीं चाहिए। इतिहास के पन्नों पर भी मुझे कोई स्थान नहीं चाहिए। मेरी इच्छा देश में अपना पुतला लगवाने की नहीं है, देश के लिए अपना शरीर मिटा देने की है। मैंने गांधी जी की हत्या की। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। श्रीमान गोड़से जी को एक अच्छे वकील की जरूरत भले ना हो लेकिन इन्हें एक अच्छे मनोवैज्ञानिक सलाहकार की आवश्यकता जरूर है, वरना कौन वो आदमी होगा जो सारे इल्जाम खुद पे लेके अपने मित्रों को निर्दोष साबित करना चाहेगा। मिलॉर्ड, इसमें भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इनके मित्र आजाद होने के बाद कोई बड़ा कांड कर सकते हैं। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। वकील महोदय का कथन निराधार है। घटना के बाद ना मैं भागा और ना ही मैंने आत्महत्या करने का प्रयत्न किया, बल्कि कानून के सामने समर्पण कर दिया, क्योंकि मैं इस तरह खुली अदालत में अपने विचार प्रकट करना चाहता था।
आपने मुझे सुना, मैं आपका कृतज्ञ हूं। इस अभियोग में जिन्होंने मेरी सहायता की, अभियोग से संबंधित पुलिस, जेल के अफसर, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। देशभक्ति अगर पाप है तो मैं पापी हूं। देशभक्ति अगर प्रशंसनीय है तो मैं प्रशंसा का अधिकारी हूं। मेरे इस बयान को आप जिस तरह देखना चाहे देखें, जो दंड देना चाहे दे, मैं किसी भी प्रकार की कोई भी दया नहीं चाहता और ना ही चाहूंगा कि मेरा परिवार मेरे लिए सरकार या किसी भी अदालत में दया याचिका लगाए। अखंड भारत अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऑर्डर ऑर्डर। महात्मा गांधी की हत्या को लेकर की गई छानबीन, पूछताछ, सबूत, गवाहों के बयान, हत्या में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर और उस पर पाए गए उंगलियों के निशान और सभी विशेषज्ञों की रिपोर्ट जो अदालत में पेश की गई, उन्हें मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विनायक दामोदर सावरकर की इस केस में कोई भी सहभागिता नहीं है, लिहाजा अदालत उन्हें बरी करती है। लेकिन दस्तावेज, सबूत और गवाहों के स्टेटमेंट के आधार पर यह साबित होता है कि विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा, शंकर कृष्णैया, गोपाल गोडसे और दत्तात्रेय परचुरे का इस षड्यंत्र में सीधे तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पे उनकी सहभागिता रही है, लिहाजा अदालत उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120 बी और 114 का अपराधी मानते हुए उम्र कैद की सजा देती है। महात्मा गांधी की हत्या नाथुराम विनायक गोडसे और हरिनारायण आप्टे द्वारा चलाई गई रिवॉल्वर की गोली से हुई है। अदालत नाथुराम विनायक गोडसे और हरिनारायण आप्टे को महात्मा गांधी का हत्यारा मानते हुए दफा 302, 120 बी और 114 ऑफ आईपीसी के तहत उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाती है। Hanged till death.
अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हिंदू राष्ट्र 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 कल सुबह आप दोनों को फांसी दे दी जाएगी। कोई आखिरी इच्छा जिसके लिए आप लोग निवेदन करना चाहते हो? मेरी इच्छा, मेरा स्वप्न, मेरा सब कुछ अखंड भारत है, और मेरी इच्छा सिर्फ मैं ही पूरी कर सकता हूं। हम फिर जन्म लेंगे और हमारी इच्छा पूरी करेंगे। फिर भी यदि कोई आखिरी इच्छा हो जिसकी पूर्ति के लिए सरकार या जेल प्रशासन से कोई अनुरोध करना चाहते हो? ऐसा है, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी अस्थियों को सिंधु नदी में बहाया जाए। लेकिन सिंधु नदी तो अब पाकिस्तान के हिस्से में है। इसीलिए कहा, जब सिंधु नदी अखंड भारत के झंडे के नीचे से बहे, तभी मेरी अस्थियां उसमें विसर्जित कर देना। प्रिय बंधु, चिरंजीव दत्तात्रेय विनायक गोडसे, मेरे बीमा के रुपया अगर आ जाएंगे तो उस रुपया का विनिभोग आपके परिवार के कार्य के लिए करना। रुपये 2000 आपकी पत्नी के नाम पर, रुपये 3000
चिरंजीव गोपाल की धर्मपत्नी के नाम पर और रुपए 2000 आपके नाम पर। इस तरह से बीमा के कागजों पर मैंने रुपया मेरी मृत्यु के बाद मिलने के लिए लिखा है। मेरी उत्तर क्रिया करने का अधिकार आपको मिलेगा, तो आप आपकी इच्छा से किसी तरह से भी उस कार्य को समाप्त कर देना। लेकिन मेरी एक ही विशेष इच्छा, यही लिखता हूं, सिंधु नदी जिस शुभ दिन भारतवर्ष के ध्वज की छाया में स्वच्छंदता से बहती रहेगी, उस दिनों में मेरी अस्थि या रक्षा का कुछ छोटा सा हिस्सा उस सिंधु नदी में बहाया दिया जाए। अगर मेरा न्यायालयीन वक्तव्य कभी सरकार बंधमुक्त करेगी तो उसके प्रकाशन का अधिकार भी मैं आपको दे रहा हूं। मैंने 101 रुपया आपको आज दिए हैं, जो आप सौराष्ट्र सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है उसके कलश कार्य के लिए भेज देना। आपका शुभेच्छु, नथुराम विनायक गोडसे। November 14, 1949। मेरा विश्वास अडिग है कि मेरा कार्य नीति की दृष्टि से पूर्णतया उचित है। मुझे इस बात में लेश मात्र भी संदेह नहीं कि भविष्य में किसी समय सच्चे इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो वे मेरे इस कार्य को उचित ठहराएंगे। चलिए,
जगदीश शक्ति प्रदातु मदर्थे कटिबद्ध कार्यः त्वदीयाय कुर्मः शिखर तुंग भालस्य तेजः ललाटे अखण्डाच